हो गया ठीक yes, है आगे जाना नहीं है। मैंने कुछ कर रखा क्या इसमें है? अब मैजिक बता दूं मैं ये मैंने किया। अब पानी निकलेगा क्यों? बाय बाय क्यों आपके ऊपर ग्लास के ऊपर है और मैं ग्लास को छन्नी के ऊपर कर तो छन्नी उठा के दिखा दो एक बार और ये कुछ झूलेगा देख लेते हम नहीं झूला तो फिर क्या करेंगे? नहीं अगर नहीं झूलेगा हमने मेरे को छन्नी इसलिए नहीं दी हो क्या होना चाहिए? अगर इसको पलट देंगे अपन तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा पानी? नहीं गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा हाथ अलग करने के बाद में? गिरेगा। एक काम करते गिरा सकते हो आप पेंसिल दो पुश आप पेंसिल दो आप करके देखो गिरना चाहिए ना पानी बलून में ऐसी पेंसिल जमा दे तो बलून रहता है फट जाता है आपके जैसा। देखो गिर रहा पानी नहीं गिर रहा है। अब ये तभी गिरेगा पानी जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहा इसके नीचे में आपकी निकलते बन जाएगा जो नाली के पास खेलता है जो होमवर्क नहीं करता है तो उस पर पानी ही रहेगा। चलो कौन नारा सबसे पहले? कोई है ऐसा गंदे में खेलते हो होमवर्क कौन कौन करके ला रहा है? चलो आओ इसके नीचे चलिए चलिए चलो साइंस क्या है? चलो इसको हम बलून बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बलून। अब यहाँ पे अगर हम पीन चुबाते हैं तो ये फट जाएगा बलून? यस सर। अब मैं इसमें सेलो टेप चिपका देता हूँ। क्या चिपका देता हूँ? सेलो टेप। अब पीन चुबाएंगे तो फटेगा? वाय क्यों क्योंकि उसकी जो जो सेलो टेप है ना उसने क्या एक फिल्म बना दी है ना उसका सरफेस टेंशन इसको क्या बोलते हैं किसके कारण हो रहा है? बोलो सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन बता देता हूँ क्यों होता है ना सेलो टेप फिल्म जैसी रहती है ना ठीक है देखो इसमें भी ये बीच में बन गई फिल्म नहीं। जैसे ये एयर जा रही तो सब खाली होते जा रहा ठीक है इसके कारण पानी ला रहा है। घर पे करोगे आप? यस सर। जगह बता तुम्हें? यस सर। बिस्तर पे क्या करोगे? ठीक है बाकी सारा काम घर वाले कर